चलिए बच्चों, प्रश्नावली 3.5 को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं बचे हुए प्रश्न चौथे का चौथा और पांचवा। बच्चों बड़े ही आवश्यक प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यान से करिएगा जरा। कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। चलिए मान लीजिए चित्र बनाते हैं इसका। एक कोई नेशनल हाईवे है, दो स्थान है ए व बी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी बी से एक ही समय पे चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे बाद मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे, माना प्रथम कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा व द्वितीय कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा पहली स्थिति स्थिति एक। पहली स्थिति में कहा गया है कि यदि ये कार्य एक ही भिन्न भिन्न एक कार्य से दूसरी बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, यदि ये कार्य भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो एक ही दिशा मतलब हो गई समान दिशा। पहली स्थिति है समान दिशा वाली, मतलब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और हमारा कोई साथी लखनऊ में है, तो हम यहाँ से लखनऊ की तरफ चल रहे हैं और हमारा साथी लखनऊ से आगे मान लीजिए सीतापुर की तरफ चल रहा है। हमारी भी वही दिशा और हमारे मित्र की भी वही दिशा, तो हम बच्चों कब पकड़ पाएंगे अपने मित्र को? जब हमारी चाल हमारे मित्र की चाल से ज़्यादा होगी, नहीं तो हम दोनों के बीच का गैप बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग इस बात को मेंशन करेंगे कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, और तभी एक्स वाला वाई वाले को पकड़ पाएगा। तो हमने मान लिया कि पहली कार यहाँ से चली x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरी कार भी इसी दिशा में चली y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और x की चाल ज्यादा है y से, तो धीरे धीरे इनके बीच का गैप कम होगा। और हमने मान लिया कि ये स्थान C पर दोनों एक दूसरे को मिल गए। हमने मान लिया कि स्थान C पर दोनों कारें एक दूसरे को मिल गई। तो यहां भी लिखेंगे, माना C पर दोनों कारें मिल जाती हैं। C पर दोनों कारें मिल जाती हैं बच्चों, तो यहां पर आप ध्यान देखिए, ध्यान से देखेंगे अगर, तो जो दूरी AC है, दूरी AC में से अगर हम दूरी BC को घटा दें तो बच्चों क्या बचेगा? तो बचेगी दूरी AB। अच्छा, दूरी बराबर बच्चों होता क्या है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। और प्रथम स्थिति में कह रहा है कि यदि ये भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में ये मिल जाती है। तो 5 घंटे में पहली कार ने कितना सफर तय किया होगा बच्चों? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो पहली कार की चाल है, समय लगा है 5 घंटा, तो दूरी ऐसी हो जाएगी बच्चों 5x किलोमीटर माइनस। उसी प्रकार से दूरी BC, दोनों कारों ने बच्चों समान समय में ये दूरियां तय की हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। तो दूरी BC बच्चों हो जाएगी 5y, और ए भी दूरी खुद 100 किलोमीटर है, पूरे में 5 का भाग दे देंगे, तो x ऋण y बराबर 20, समीकरण नंबर ए। उसके बाद द्वितीय स्थिति देखते हैं, स्थिति दो। अब स्थिति दो में बच्चों ये कह रहा है कि दोनों कारें विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत दिशा में चल रही है तो ए की चाल
अधिक है तो मान लीजिए ए ज्यादा तय कर लेगी, प्रैक्टिकल रूप से थोड़ा सही फिगर बने ऐसा भी हमें ध्यान रखना होता है। तो अब ये इस दिशा में, बी वाली इस दिशा में, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो यहाँ पे सी पे मिल गई है। अभी भी यहाँ पे ये तो 100 किलोमीटर की ही दूरी है पूरी ए बी, और इस दशा में बच्चों यही होगा कि अब ए सी प्लस बी सी बराबर आ जाएगा 100, या ए सी प्लस बी सी, चलिए अभी यहाँ पे ए बी लिख देते हैं। अब दूरी ए सी, अब यहाँ पर बच्चों जब ये विपरीत दिशाओं में चली थी तो एक घंटे में मिल गई थी, अर्थात ए से सी तक की दूरी तय करने में एक्स किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितनी दूरी तय करी उसने, 1 × x धन। उसी प्रकार से ये वाई किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 1 × y किलोमीटर की दूरी तय करी बराबर 100, अर्थात x प्लस y बराबर आ गया बच्चों 100। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y के मान प्राप्त कर लेंगे, तो यही बच्चों इस प्रश्न का हल हो जाएगा। तो हल करते हैं, तो दोनों समीकरणों को घटा ले, y घोषित हो जाएगा समीकरण नंबर 1 में से, समीकरण नंबर 2 को घटाते हैं तो घटाएंगे बच्चों, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x ऋण y बराबर 20, और यहाँ पे x धन y बराबर 100, दोनों को समीकरणों को सॉरी जोड़ देंगे तो y y घोषित हो जाएगा 2x बराबर 120, तो x बराबर आ गया 60, ये पहला उत्तर हुआ। तो 60 ऋण y बराबर 20, तो ऋण y बराबर आ जाएगा ऋण 40, तो y बराबर हो गया 40। आंसर स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, अतः प्रथम कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और द्वितीय कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतिम सवाल पर आते हैं, पांचवे सवाल पर, चौथा तो आप लोगों ने ये सॉरी ये था चौथा सवाल है, आपकी नंबरिंग गलत हो गई है, ये है चौथा सवाल और ये है बच्चों पांचवा सवाल। अब कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 69 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, बहुत आसान है। विमाएँ क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई, तो लिख लेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है इसके इकाई लिखेंगे, व चौड़ाई बराबर y इकाई केस वर्ग, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई आ गई, क्षेत्रफल निकाल लीजिए इसे, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई वर्ग इकाई। अब पहली स्थिति, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो अभी क्षेत्रफल कितना है बच्चों एक्स वाई, 9 वर्ग इकाई कम हो गया तो मतलब एक्स वाई माइनस 9 हो गया। कैसे बच्चों 9 वर्ग इकाई कम हो गया, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई पहले कितनी थी एक्स, अब हो गई एक्स ऋण 5 गुणे, और कह रहा है चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, पहले चौड़ाई थी वाई 3 इकाई बढ़ा दी तो वाई धन 3 हो गया, तो बच्चों इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई धन 3x ऋण 5y ऋण 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3x ऋण 5y 15 उधर भेज देंगे, तो 9 × 6 = 15, 6 समीकरण नंबर 1। केस 2 देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कह रहा है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई हो गई एक्स धन 3 गुणे चौड़ाई हो गई वाई धन 2, दोनों गुणा करेंगे तभी क्षेत्रफल आएगा, इसलिए दोनों गुणा करना है बच्चों। तो कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 69 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल हो गया बच्चों पहले क्या क्षेत्रफल था एक्स वाई, तो ये कितना बढ़ गया प्लस 60
मान निकाल लीजिएगा, समय अधिक हो रहा है। धन्यवाद, ये प्रश्नावली आपकी बच्चों समाप्त हो चुकी है।